अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अर्बन विलेज पाकिस्तान। अभी आज बाहर निकले हैं आज का व्लॉग बनाने के लिए। अभी शाम का टाइम हो रहा है 4:30 और ये ठंडी हवा चल रही है। और अभी हम जा रहे हैं मेरे कजन के पास, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ अमान, और मैं अपने कजन के पास जा रहा हूँ क्योंकि हमने खेलना है बैडमिंटन खेलने के लिए जा रहे हैं। वहाँ से हम बिरयानी खाने जाएंगे, बकार बिरयानी, तो मैंने कहा आप लोगों को उसका भी रिव्यू करवाऊंगा और बैडमिंटन जहाँ खेलेंगे वो भी जगह दिखाऊंगा। तो आज का व्लॉग बड़े मजे का होगा, देखते जाए। ये हम स्काउट्स में आए हुए और नहीं ना नाम की स्काउट्स नाम है ना जगह का, स्काउट्स वो ये क्या ट्रेनिंग हो रही है? हाँ स्काउट्स, यहाँ पे स्काउट्स की ट्रेनिंग होती है। ये देखो बच्चे स्काउट्स कर रहे हैं। अरे वहाँ वीडियो बनाना अलाव है? हाँ अलाव है, बच्चों को ये स्काउट्स यूनिफॉर्म है, बच्चों की ट्रेनिंग होती है। कैंप्स लगे हुए हैं, कैंप्स लगे हैं बच्चों के। हाँ कैंप्स लगे हुए हैं। गाना गाए सीधा सीधा बच्चों को है। हाँ अभी तो वो वैक्सीनेशन लगाने हैं फिर आपको। अच्छा ये देखो ये स्क्वाश का वो है, स्क्वाश कोर्ट है, बहुत अच्छा बना हुआ है इनका। ये टेनिस कोर्ट वॉलीबॉल कोर्ट था ये पीछे, और ये फुटसेल कोर्ट है तो बहुत बड़ा है। हाँ ये मेन बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर ये है बाइक इस तरफ बैठी। ये जगह का नाम है मोहम्मद सिद्दीकी मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और ये इनकी मेन बिल्डिंग के सामने जहाँ पर ऑफिस है। ये दो कोचिंग देता है यहाँ पे। अच्छा यहाँ जब हम अंदर आए तो यहाँ पर काफ़ी रश था, पहले ही पूरे गेम चल रहे थे बैडमिंटन के, लड़के काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे, फिर बच्चों की टाइकोंडो की ट्रेनिंग वगैरह हो रही थी। तो हम ज़रा जल्दी आ गए थे, हम जरा हमें बताया था कि अगर लेट जाएंगे तो बिल्कुल खाली मिलेगा हमें ये पूरा स्टेडियम वगैरह, तो हमने ज़्यादा देर वेट किया। फिर हम बाहर चले गए थे देखने के लिए क्योंकि ये तो पूरा फुल था, हम यहाँ पर खड़े रहते हैं तो हम बाहर गए थे, बाहर से आए तो ये खाली हो गया था। जिनकी मेन बिल्डिंग है ना यहाँ पर, अगर कुछ पूछना वगैरह हो है ना। नहीं अंदर ऑफिस नहीं है, है ना ये यहाँ पर बना हुआ है। हाँ वो रहे उनका इलियास अंकल, वो जो पर्पल है ना वो मुझे। हाँ वो कौन है? वो यहाँ के वो है ऑफिस में। आओ कुछ हम पढ़ने में दे रहे हैं, मतलब बच्चे बुकिंग करवाते हैं 3,000 पर घंटा के हिसाब से। 3,000 पर घंटे के हिसाब? ये क्या खेल रहे हैं? फुटसल मैचेस हो रहे हैं, सॉकर फुटसल कहते हैं। तो जगह भी तो देखो, पास खराब हुई है उसका। टेनिस कोर्ट है ये वाला ना, इसी जगह पे बच्चे खेल रहे होंगे। क्या हाल है? कब तक के लिए आए हैं? टाइम है बहुत। घर पे क्या बोलते हैं? हमजा के बाद जा रहा हूँ बस जाने। और ऐसा मार ऐसा खेलते हैं ना, अब वो बताओ आप पैसे कमा रहे हैं बैडी को, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कोचिंग करते हैं और पैसे कमा रहे हैं। 3,000 रुपये कोचिंग के लेते हैं, इसमें से 2,000 रुपये रखता है। ये इनकी आर्चरी की जगह है, यहाँ पर आर्चरी लोग करते हैं लेकिन स्पेसिफिक डेज होते हैं उसके, तो अभी बिल्कुल खाली है आर्चरी की जगह, कौवे आए हुए। अभी हम बाहर घूम रहे हैं क्योंकि अंदर जो बैडमिंटन की जगह है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है,
तो आप वेट कर रहे हैं खाली हो जाए। मैंने कहा बाकी वीडियो बनाता हूँ पूरी इस एरिया की। बैडमिंटन है यहाँ पर, स्क्वाश कोर्ट है वो देखिए देख सकते हैं आप, अभी बंद है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, टैकोंडो है, काफ़ी चीज़ें हैं, आर्चरी वगैरह। तो देखते हैं अभी, हमें मज़ा आ रहा है। तो भाई अभी हमने खेल लिया यहाँ पर, बहुत 2 घंटे से खेल रहे हैं, हम थक गए हैं, अब लोग भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, हम अब निकल रहे हैं। अब देखते हैं, शायद खाने का प्लान है तो खाना खा के जाएंगे वरना घर जाएंगे, आज का व्लॉग ये हो जाएगा फिर। हाँ, यहाँ बड़ा मज़ा आया, यहाँ पर बैडमिंटन खेलने की बहुत बड़ी जगह है, जैसे देख सकते हैं 3-3 यहाँ पर नेट लगी हुई है 3, और अच्छे खासे प्लेयर खेल सकते हैं यहाँ पर। अभी बाहर मिलते हैं। किसके साथ आऊँ, ये फर्स्ट हो गया, अंदर जा रहे ये पकड़ नहीं करना है। हां ये पकड़ हम तेरे हाथ बहुत मिले हां ये सही अंदर 1 2 3 गो अगेन 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 एक दफा उल्टे हाथ पे लगाएं, उल्टे हाथ पे ना, एक पहले ये लगाओ चले नीचे हाथ इधर 1 2 3 go lock me kar ye nahi kar yo chalo 1 2 3 go कि हम बाहर जा रहे हैं अब, वहाँ से स्काउट्स के एरिया से हम निकल गए हैं यहाँ से। तो हमने कहा बिरयानी खाने चलते हैं, बिरयानी का प्लान बनाया है, तो अब वहाँ जा रहे हैं हम। फेमस बिरयानी है गुलशन की, वक्कार बिरयानी, तो वो खाएंगे और टेस्ट करके बताएंगे कैसी है। ये हम वक्कार पहुँच गए हैं, यहाँ की बड़ी फेमस बिरयानी है, तो अभी हम बैठ के खाएंगे यहाँ पर, देखते हैं क्या सीन है। ये इनकी बैठने की जगह छोटी है लेकिन है मज़े की, तकरीबन 4 लोग साथ बैठ सकते हैं, यार ये पतले पतले तो 3-3 बैठ जाएंगे। खाली है सुबह में, नॉर्मल मिलेगी।
वाइट पे मिलेगी नॉर्मल नहीं समय ना मैं मत बोला नेक्स्ट डे क्या हुआ बंदा खड़ा है ना आओ तुम अपनी मैं बता लूँगा ये हमने वकार की बिरयानी मंगाई है 200 पर प्लेट है और ये इसकी 200 की प्लेट है ठीक है हमने ये दो मसाले वाली मंगवाई है और एक सादी टेस्ट करूँ भाई मजे की है बहुत एक आलू है और मसाला सही है बहुत मजे की है मुझे बड़ी मजे की लगी वकार की बिरयानी अच्छा तो यहाँ की बिरयानी में एक मसला है हमने कहा था मसाले वाली इसे नमक वाली लाके दे दी है मसाला नहीं है बिरयानी में नमक ज़्यादा है ये मसला था लेकिन बिरयानी थी टेस्ट में अच्छी लेकिन मसाला नहीं था नमक ज़्यादा बहुत मतलब लग रहा था ऐसा बहुत मज़े की बिरयानी है आलू भी सही है अच्छी बिरयानी है यहाँ की फेमस है ना वकार इस इलाके की फेमस है वकार भी हमने आज टेस्ट किया है इसको से पंचर नहीं हुई थी भाई सीधा आता है तो यही रोका वहाँ से ट्रैफिक वाले दोबारा नहीं जाऊँगा वहाँ से नहीं है वहाँ से मुझे बताया था ना 7,000 साठ रुपये ये भाई हमने खाली कर दिए बड़ी मज़े की बिरयानी थी अच्छा ये हमजा भाई बैठे हुए और ये हमने सारी ख़त्म कर दी है ये थोड़ी सी बच गई है क्योंकि उसका दिल नहीं कर रहा बेचारे का गुलाब जामुन ये हमने मंगवाए छोटे छोटे टेस्ट करने के लिए आओ भाई हम तो गरम है यार मजे हाँ 10 रुपये का एक है अच्छा है इतना इतना ठीक है अच्छा है मज़ा आ गया चलो भाई अब हम वहाँ से निकल गए हैं घर घर निकल गए हमने मीठा खाया बिरयानी खाई बैडमिंटन खेला बड़ा मज़ा आया आज का व्लॉग भी बड़ा अच्छा बना तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो तो अभी हम घर जा रहे हैं चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़